अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मजमून जुग्राफिया छठी जमात, सबक नंबर 4 मौसम और आबो हवा। इसका पहला पार्ट बच्चों हम पढ़ चुके हैं, अब बकिया हिस्सा अब पढ़ेंगे। सबक का दूसरा हिस्सा मौसम के मुख्तलिफ अज्जा। बच्चों इसका पहला पॉइंट है दर्जे हरारत। तो आइए देखते हैं, जमीन की सतह सूरज की वजह से गर्म होती है। जमीन के गर्म होने की वजह से सतह जमीन से करीब की आबोहवा गर्म हो जाती है। इसके बाद ऊपर की तह दर्जा बदर्जा गर्म हो जाती है। यही वजह है कि सतह समंदर से जिस कदर हम बुलंदी पर जाए दर्जा हरारत कम होता जाता है। इसी तरह आम तौर पर खते इस्तवा से खुदबैन की जानिब दर्जा हरारत दर्जा बदर्जा कम होता जाता है। बच्चों आप लोग जानते हैं खुदबैन की तरफ दर्जा हरारत कम होता है और खते इस्तवा पर दर्जा हरारत ज्यादा होता है, क्योंकि सूरज की शुआएं बिल्कुल उमूदी पड़ती है। तो बच्चों अब मौसम के अज्जा का दूसरा पॉइंट है हमारा हवा का दबाव। हवा वजन रखती है, इस वजह से हवा में दबाव पैदा होता है। इस दबाव ही को हवा का दबाव कहते हैं। फिजा की सबसे निचली तह पर हवा का दबाव पड़ने से हवा की कसाफत बढ़ जाती है, इसलिए जमीन से करीब हवा का दबाव ज्यादा रहता है और बुलंदी के मुताबिक वो कम होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हवा। ज्यादा दबाव वाले इलाके की जानिब से हवा कम दबाव वाले इलाके की जानिब उफकी सिमत में बहती है, इसे ही हवा कहते हैं। दबाव के कम या ज्यादा होने की बुनियाद पर हवा की रफ्तार का इन्हिसार होता है। ये हमारा अगला पॉइंट है रतूबत। फजा में बुखारात होते हैं, जिस हवा में बुखारात ज्यादा हो वो हवा मरतूब होती है। फिजा में पाई जाने वाली इस नमी को रतूबत कहते हैं। फिजा में रतूबत का तनासुब हरारत पर मुनहसिर होता है। ज्यादा गर्म हवा में ज्यादा बुखारात जमा हो सकते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज को पानी को उबाले और उसके ऊपर अगर कोई ढक्कन रखे तो वो उसके ऊपर पानी के बुखारात जमा हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तरसीब। हवा में पाए जाने वाले बुखारात को पानी और बर्फ में तब्दील होने और दोबारा जमीन पर आने को तरसीब कहते हैं। बरसात, बर्फबारी, ओलाबारी वगैरह तरसीब की शक्लें हैं। मौसम की कैफियत वक्त के मुताबिक कही जाती है, जबकि आबोहवा का इंतजार लंबे अरसे के हालात पर होता है। मौसम में मुतवातिर तब्दीली होती रहती है और वो उसी वक्त महसूस भी होती है। आबोहवा में तब्दीली लंबे अरसे बाद होती है और वो आसानी से महसूस नहीं होती। आप लोग पांचवी में पढ़ चुके हैं आबी चक्कर के बारे में। जमीन पर मौजूद पानी सूरज की शुआओं के जरिए भाप बनकर ऊपर जाता है और फिर दोबारा बरसता है। ये जहन पर जोर दे, सर्द आबोहवा के खत्ते में आप कौन सा पेशा अख्तियार करोगे, गर्म आबोहवा के खत्ते में आप कौन सा पेशा अख्तियार करोगे। पेशा यानी काम। तो सर्द आबोहवा के खत्ते में हम कौन से काम कर सकते हैं और गर्म आबोहवा के खत्ते में हम कौन से काम कर सकते हैं, आपको ये इसकी एक लिस्ट बनाना है और मुझे बताना है कि कौन से खत्ते में कौन से काम ज्यादा अच्छे से किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे सर्द आबोहवा के खत्ते में हम जानवर पाल सकते हैं, गल्ला बानी कर सकते हैं, खेती बाड़ी वगैरह ये पेशे भी अपनाए जा सकते हैं। आपको पेशों की लिस्ट बनाकर मुझे दिखाना है। इसे हमेशा जहन में रखें, किसी मकाम पर मौसम में मतवातिर तब्दीली होती रहती है, मगर वहाँ की आबोहवा में उमूमन तब्दीली वाकई नहीं होती। आबोहवा हर जगह यकसा नहीं रहती। हमारे भारत में भी कहीं सर्द है तो कहीं गर्म, कहीं मरतूब तो कहीं खुश्क आबोहवा पाई जाती है। बच्चों जैसे हमारे राजस्थान जो है तो हमारे भारत में ही आता है, लेकिन वो रेतीला इलाका होने की वजह से वहाँ और जो है तो वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ की आबोहवा अलग है। उसके बरक्स हमारी मुंबई की आबोहवा बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे मुंबई की आबोहवा मरतूब है ना। तो इस तरह आबोहवा में तब्दीली हो सकती होती रहती है।
तो बच्चों आपको इसको हमेशा जहन में रखना है। क्या आप जानते हैं जानदारों की पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ तरीके से आबो हवा का असर होता है। अक्सर जानदार सेहत अफजा आबो हवा के इलाके में दिखाई देते हैं। जानदारों की गजा और रिहाइश गाहों पर भी आबो हवा का असर होता है। रोए जमीन पर पानी की तकसीम भी आबो हवा में तवाजुन बरकरार रखती है। यानी देखो बच्चों, जहाँ जानदारों को अच्छी गजा मिलेगी और अच्छी आबो हवा रहेगी, वो वहाँ पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे ये आता है, सबक पढ़ने के बाद आप खुद अपने आप का जो है तो मुशाहिदा कर सकते हैं। यानी अपने खुरब जवार के मौसम की कैफियत बयान करना, बार बार होने वाले मौसमों की तब्दीलियों को पहचानना, मौसम के अज्जा पर गौर करके आबो हवा की तब्दीली पर गुफ्तगू करना, मौसम और आबो हवा के दरमियान का फ़र्क बताना। बच्चों रोज अपने माहौल का मुशाहिदा करना है आपको और कौन सा मौसम चल रहा है बताना। हाँ, हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ, तो आइए मश्क की तरफ बढ़ते हैं। मैं कौन हूँ, अलिफ में हमारा सवाल है, मैं कौन हूँ। पहला मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। मैं हमेशा बदलता रहता हूँ। कौन बोल रहा है ये ऐसा? मौसम। मैं हर जगह यकसा नहीं रहती, आबो हवा। तीसरा, मैं पानी की बूंद की ठोस शक्ल हूँ। बच्चों ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बर्फ। चौथा है, मैं फिजा में बुखारात की शक्ल में रहता हूँ। पानी। अब बे में है, जवाब दीजिए। इसमें पांच सवाल है। पहला सवाल है, महाबलेश्वर की आबोहवा सर्द क्यों है? तो बच्चों मैं इसको आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि महाबलेश्वर जो है तो बहुत ज़्यादा बुलंदी पर है, इसलिए जो है तो ये सेहत अफजा मकाम भी और यहाँ की आबोहवा सर्द रहती है। अब बाकी सवाल के जवाब आपको कर